देखो, हैव यू एवर बीन टू वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल एंड लार्जेस्ट केव इन द साउथ एशिया? इफ नॉट, प्लीज डोंट फॉरगेट टू विजिट। इस केव में अब जाके खड़े होने का रास्ता है, बिल्कुल ही बहुत ही गहरी केव है। फिलहाल देखो कितनी पत्थरों के बीच में से होकर जा रहे हैं हम। यह है गुप्तेश्वर महादेव की केव, और जो वाटरफॉल हमने ऊपर देखा था वो यहीं पे आके गिर रहा है नीचे। लेकिन अगर आप ट्रैक करके आएंगे तो आपको इतना सुंदर पूरा सिटी का व्यू दिखेगा, और साथ साथ ही पूरा पोखरा भी आपको दिखेगा। और इधर से हम ट्रैक करते हुए आ रहे हैं, हम पहुंच चुके हैं पुमदीकोट के शिवा स्टैचू पे, और यहां से इसके एंट्रेंस, तो अंदर एंट्री चलते हैं। देखो कितना सुंदर व्यू है वर्ल्ड पीस पगोड़ा का। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। अभी मैं हूँ नेपाल की सेकंड लार्जेस्ट सिटी पोखरा के अंदर। पोखरा के अंदर घूमने के लिए बहुत सारी जगह है, लेकिन फिलहाल अभी मैं आया हूँ फेवा लेक में, क्योंकि आज है 1 जनवरी 2024। तो कल रात यहाँ पे न्यू ईयर की पार्टी हुई थी, तो रात की पार्टी वाली वीडियो भी मैंने आपको दिखाई हुई है पूरी डिटेल में, इसके पहले वो वीडियो आ गई होगी। तो फिलहाल आज की वीडियो में हम घूमेंगे पोखरा के अंदर जो भी टूरिस्टिक प्लेस है घूमने के लिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको नेपाल के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें बता देता हूँ। नेपाल का पूरा नाम है फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ नेपाल, संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र के नाम से भी जानते हैं। और इसकी टोटल एरिया है 1,47,000 स्क्वायर मीटर में ये फैला हुआ है, और दुनिया के सबसे ऊंचे 10 पहाड़ों में से 8 नेपाल के अंदर ही है। तो फिलहाल नेपाल को पहाड़ों का देश भी बोलें तो गलत नहीं होगा। और नेपाल एक ऐसी कंट्री है जिसको आज तक कभी भी कॉलोनाइज नहीं किया गया किसी भी दूसरे देश के द्वारा, जैसे कि इंडिया को ब्रिटिश ने कॉलोनाइज किया था। नेपाल एक ऐसी कंट्री जिसको कभी भी किसी भी देश ने कॉलोनाइज नहीं किया आज तक भी, तो इसलिए नेपाल एक इंटरेस्टिंग कंट्री बन जाती है। और नेपाल चाइना और इंडिया के बीच में एक बफर स्टेट का भी काम करती है, क्योंकि ये दोनों चाइना के साथ भी और इंडिया के साथ भी बॉर्डर शेयर करती है। और नेपाल के अंदर टोटल 7 स्टेट्स, और नेपाल की टोटल पॉपुलेशन 3 करोड़ की है, जो वर्ल्ड में 49th पोजीशन पे आता है पॉपुलेशन वाइज। और नेपाल की GDP $41 बिलियन की है, जो कि पर कैपिटा $5,000 के आसपास बन जाती है। नेपाल की पर कैपिटा GDP लगभग $5,000। और यहाँ का टाइम जो है UTC+5:45, तो इसका मतलब इंडिया के टाइम से नेपाल का टाइम 15 मिनट ज़्यादा चलता है। अगर इंडिया में 12 बजे होंगे तो यहाँ पे 12:15 हो रही होगी। और नेपाल की करेंसी की बात कर ले तो 1 इंडियन रुपीज में मिलते हैं 1.6 नेपाली रुपीज़, तो ऐसे बन जाते हैं अगर आप 10,000 इंडियन रुपीज़ चेंज करवाते हैं तो आपको 16,000 नेपाली रुपीज़ मिलती है। तो 1 इंडियन रुपी इज इक्वल टू 1.6 नेपाली रुपी। और तो फिलहाल अभी हम चल रहे हैं फेवा लेक के साइड में। फेवा लेक मैंने आपको दिखाई दिया, यहाँ पे बोट राइड वगैरह हो रही है। फिलहाल अगर आपको बोट राइड करके लेक की सैर करनी है तो सनसेट या सनराइज के टाइम में बड़ा प्यारा लगता है। फेवा लेक के बाद हम जाएंगे वर्ल्ड पीस पगोड़ा, जो कि यहाँ से पास में ही है। और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ वर्ल्ड पीस पगोड़ा, जो यहाँ से देखो ऊपर दिख रहा होगा आपको, मैं जूम करके दिखाता हूँ। वहाँ जो पहाड़ी के ऊपर वो वर्ल्ड पीस पगोड़ा है, अब इसके बाद हम वहाँ पर जाएंगे। तो फिलहाल फेवा लेक से अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं पोखरा घूमने के लिए। तो सबसे पहले हम जाएंगे वर्ल्ड पीस पगोड़ा, फिर जाएंगे डेविस फॉल, और बहुत सारी चीज़ें जो पोखरा के अंदर देखने के लिए है वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो फिलहाल यहाँ से चलते हैं। ये कुछ है फेवा लेक जो मैंने आपको दिखाई, शाम को आके यहाँ पे हम बोट राइड करेंगे तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा शाम के टाइम। तो फिलहाल यहाँ से चलते हैं, बोट स्टैंड बना हुआ है जहाँ से आप बोट बुक करवा सकते हैं, और इसके प्राइसेस लिखे हुए हैं। देखो ये फेवा बोट एसोसिएशन, और यहाँ से बोट के आपको बोट के साथ लाइफ जैकेट भी मिलती है, और यहाँ से जाके आप बोट के अंदर बैठ के राइड स्टार्ट कर सकते हैं अपनी फेवा लेक की। और अभी हम जा रहे हैं फेवा लेक से निकल के डेविस फॉल की तरफ, यहाँ से बस मिल जाती है फेवा लेक के पास ही, और यहाँ से बस लेके डेविस फॉल पर चलते हैं। और यहीं पे लेक साइड में आपको बहुत सारे खाने पीने के रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, जहाँ पे आपको बियर वगैरह, बॉयल्ड एग, समोसे, कचौरी, चाय वाय सब कुछ मिल जाता है। सुबह सुबह ही स्टार्ट हो जाते हैं, और यहाँ पे नॉर्मल दुकान पे भी बियर बड़े आराम से मिल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बियर के लेने के लिए लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती। और अभी हमारे पास जो है नेपाली करेंसी भी ख़त्म हो गई है, फिलहाल हमारे पास इंडियन रुपीज़ तो है, अब उनको कहीं से कन्वर्ट करवाएंगे नेपाली करेंसी में, या फिर देखते हैं अगर इंडियन रुपीज़ चल जाते तो उसी से काम चलाएंगे। तो अगर हम कन्वर्ट करवाएंगे तो वो भी आपको दिखाएंगे कैसे कन्वर्ट होता है, कितना चार्ज लगता है, वो सब कुछ। फिलहाल ये पीली पीली सी लोकल बस खड़ी है, ये लेके हम चलते हैं पृथ्वीराज चौक पे यहाँ से फेवा लेक से। बस तो मिल गई पृथ्वीराज चौक में जाने के लिए, पर इसमें सिर भी सीधा नहीं हो रहा, इतनी छोटी सी बस है। दिखाइए अपना सिर दिखा दो, तो हमें भी ऐसे झुक के खड़ा होना पड़ रहा है। बिल्कुल बहुत छोटी सी बस मिली है, देखो कितनी बड़ी बस है ये। तो हमारे बस में से उतरने का नंबर आ गया, और इस बस में ऐसे तिरछे तिरछे चलना पड़ रहा है, बिल्कुल जगह नहीं है। चल उतर जल्दी यार भैया, ये देखो जो छोटी सी बस है, इतनी छोटी बस में आज तक नहीं बैठा, बिल्कुल बहुत छोटी सी बस थी ये। अब हम पहुंच गए पृथ्वी चौक पर इस मिनी बस में बैठ के। तो ये है पृथ्वी चौक यहाँ का पोखरा का, और यहाँ पे देखो कितना छोटा फुटपाथ है, उसके बराबर में रोड है, फिर एक चौराहा है, और ये यहाँ पे पोखरा का बोर्ड लग रहा है, टाइमिंग चलती रहती है इस पर, वेलकम टू पोखरा, और ऐसा कुछ गाड़ियाँ हैं।
लेकिन देखो यहाँ पे इतना बिजी चौराहा है, यहाँ भी कोई ज़्यादा हॉर्न नहीं बजा रहा बिल्कुल भी। देखो कितनी शांति है पोखरा में, इतनी पोखरा में क्या पूरे नेपाल में ऐसा है कि कोई भी हॉर्न नहीं बजा रहा। देखो कितना बिजी चौराहा है, हर कोई जा रहा है लेकिन हॉर्न कोई नहीं मार रहा है। एक दो कोई एक दो सुनेगा तो सुनेगा हॉर्न, नहीं तो बिल्कुल भी ना हॉर्न के है सब कुछ। तो फिलहाल हमने नेपाल में अपना HDFC बैंक का डेबिट कार्ड यूज़ करके कैश निकलवा लिया है। 10,000 नेपाली रुपये निकलवाने के बाद मेरा 350 रुपये का चार्ज लगा है, तो 350 रुपये ट्रांजेक्शन चार्ज है। आप 10,000 निकलवाओ, 15 निकलवाओ, 20 निकलवाओ, तो 10,000 में एक ट्रांजेक्शन पर 350 रुपये का चार्ज कटता है, बाकी आपके ATM से डायरेक्ट पैसे कट के आपको कैश मिल जाता है। तो ये सबसे ईजी तरीका है अगर आप नेपाल में आके कैश निकलवाना चाह रहे हो। तो ये देखो कितने मैनेज तरीके से यहाँ पर सड़क है, बीच में सड़क है, तिराया है, उस साइड में इतना छोटा फुटपाथ है, उस पर बाइक खड़ी करने की जगह है, फिर दुकानें हैं, तो पूरा मैनेज तरीके से है। पोखरा सिटी देखो, और उधर पहाड़ दिख रहे हैं। तो अभी हम नेपाल की मिनी बस में बैठ कर जा रहे हैं। देखो मिनी बस में कितना स्पेस है, मेरे जो पैर हैं ये पिछली सीट है जो नॉर्मल लोगों की है, मेरे पैर इसमें यहाँ तक जा रहे हैं। फिलहाल हम यहाँ से बैठ के जा रहे हैं देवीज वाटरफॉल पे, और ये मिनी बस का टिकट लग रहा है 30 रुपये पर पर्सन, कहीं से कहीं भी चले जाओ पूरे पोखरे के अंदर 30 रुपये पर पर्सन में आप इस मिनी बस में बैठ के एक जगह से दूसरी जगह बड़े आराम से जा सकते हैं। लेकिन इसके अंदर स्पेस सिर्फ इतना ही है कि मेरे पैर देखो दूसरी सीट का भी आधे तक आ रहे हैं, ये दिक्कत है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अब सीधे चलते हैं देवीज वाटरफॉल, ये छोटी सी मिनी बस चलते हैं। यहाँ पे पोखरा यातायात प्राइवेट लिमिटेड, और इनमें बैठ के 30 रुपये देकर आप कहीं से कहीं भी पहुँच जाओ पोखरा के अंदर। वेलकम टू देवीज फॉल, इसको बताए पाताले छंगो, पाताले छंगो का मतलब पाताल का द्वार है। वेलकम टू देवीज फॉल पाताले छंगो। फिलहाल यहाँ पे आके हमें टिकट लेना पड़ेगा, टिकट काउंटर पे जाके टिकट लेते हैं और फिर अंदर जाके एंट्री लेनी पड़ेगी। यह टिकट काउंटर इसका, यहाँ का टिकट प्राइस है 100 रुपये पर पर्सन, तो ये इसका टिकट पड़ा है हमें 80 रुपये पर पर्सन का। हम देवीज वाटरफॉल के अंदर आ गए और यहाँ पे इसके बारे में डिटेल्स लिखी हुई है, अभी मैं थोड़ी सी डिटेल बता देता हूँ। 1961 में एक स्विस कपल था जो इसमें बात ले रहा था, तो वो मर गया था इसमें डूब के, तो तब से इसका नाम देवीज वाटरफॉल पड़ गया, क्योंकि उनका कपल का नाम डेवीज था, उनके नाम के ऊपर इसका डेवीज वाटरफॉल पड़ गया। इसकी गहराई है 500 मीटर बिलो ग्राउंड लेवल, और इसका जो सोर्स है वो पोखरा लेक से इसका वाटर सोर्स आता है, और ज़मीन से ग्राउंड लेवल से 500 मीटर नीचे जाके ये वाटरफॉल ख़त्म हो जाता है। तो फिलहाल ये नीचे गुप्तेश्वर महादेव की जो केव है वहाँ तक ये वाटरफॉल जा रहा है। पहले हम घूमेंगे डेवीज वाटरफॉल, उसके बाद हम जाएंगे गुप्तेश्वर महादेव की केव में। तो देखो, हैव यू एवर बीन टू वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल एंड लार्जेस्ट केव इन द साउथ एशिया? इफ नॉट, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू विजिट, विच इज़ जस्ट 100 मीटर साउथ वेस्ट फ्रॉम हियर। पहले हम डेवीज वाटरफॉल देखेंगे, उसके बाद फिर हम गुप्तेश्वर महादेव की केव के अंदर जाएंगे। तो फिलहाल ये कुछ रास्ता है डेवीज वाटरफॉल जाने के लिए, यहाँ से गोल गोल घूम के उधर से जाके वहाँ पे वाटरफॉल है, वो जाके दिखाता हूँ आपको। तो ये देखो, हम डेवीज वाटरफॉल के व्यू पॉइंट पे आ चुके हैं। यहाँ पे ये है वाटरफॉल का व्यू पॉइंट, अभी दिखाता हूँ मैं जाकर, यहाँ से दिखता है बहुत अच्छा वाटरफॉल। और ये डॉक्टर साहब भी यहीं पे खड़े हैं, कैसा है भाई? ये देखो पूरा वाटरफॉल नीचे ज़मीन के अंदर जा रहा है 500 फीट नीचे, और ख़त्म हो जाता है फिर। तो फिलहाल यहाँ पे एक फोटो पॉइंट है जहाँ पे सब लोग फोटो खिंचवा रहे हैं, यहाँ पे हमने फोटो खिंचवा लिया। अब ऊपर जाके एक और व्यू पॉइंट है, वहाँ जा रहे हैं। चलो, एक तो व्यू पॉइंट उधर है सामने, और नीचे ये देवीज का वाटरफॉल है, और एक व्यू पॉइंट ऊपर आ गया है। तो अभी हम ऊपर वाले व्यू पॉइंट पर आ गए हैं। देखो कितना सुंदर व्यू पॉइंट है यहाँ से, और यहाँ से पूरा नीचे का दिखता है जहाँ पे वाटरफॉल गिर रहा है। इस वाटरफॉल की खास बात यही है कि नीचे इस गुफा में जाके ये ख़त्म हो जाता है, इधर से पूरा वाटरफॉल आ रहा है और यहाँ से इस गुफा में नीचे जाके और वहाँ पे जाके ख़त्म हो जाता है, दिखता नहीं है पानी इसका कहाँ जा रहा है। लेकिन इसका पानी गुप्तेश्वर महादेव के मंदिर में दिखता है नीचे जाके, जो 500 मीटर नीचे है। अब इसके बाद वहीं चलेंगे। तो अभी जो देवीज वाटरफॉल का पानी है नीचे, कहते हैं कि ये पाताल लोक में चला जाता है, लेकिन जो इसके सामने गुप्तेश्वर महादेव का मंदिर है, इसका पानी वहाँ जाके और फिर पाताल लोक में समा जाता है, उसके बाद दिखता नहीं है कहाँ पर जा रहा है। देखो अभी भी जैसे यहाँ पर नहीं दिख रहा है हमें, नीचे एक गुफा बनी हुई है, इस गुफा के अंदर इसका पानी जा रहा है लेकिन वो दिख नहीं रहा है हमें, बहुत गहरी गुफा है 500 मीटर गहरी। तो अभी हम गुप्तेश्वर महादेव के मंदिर में जाएंगे, वहाँ दिखाते हो जो पानी गिर के जाता कहाँ पे आखिरी में। तो फिलहाल यहाँ से बाहर निकलते हैं इसी रास्ते से जिस रास्ते से आए थे हम। तो अभी तक आपने देखा होगा जो वाटरफॉल पहाड़ के ऊपर से गिरते हैं, लेकिन जो ज़मीन के नीचे वाटरफॉल गिरते हैं वो ये पहला वाटरफॉल मैंने देखा है। इसको इसीलिए डेवीज वाटरफॉल या पाताल का रास्ता कहते हैं, क्योंकि ये पहला ऐसा वाटरफॉल है जो ज़मीन के नीचे वाटरफॉल है। अब तक जितने भी आपने वाटरफॉल देखे, कोई भी वाटरफॉल ज़मीन के नीचे नहीं होगा, सारे वाटरफॉल पहाड़ के ऊपर से आते हैं और नीचे गिरते हैं, लेकिन ये ज़मीन के नीचे है वाटरफॉल 100 मीटर नीचे। और यहीं पे डेवीज वाटरफॉल के ऊपर एक फ़ोटो खिंचवाने के लिए जगह बनी है, बहुत सुंदर, यहाँ पे सब लोग फोटो खिंचवा रहे हैं। ये एक बरामदा सा है, इस टाइप का बैठने के लिए जगह है, और इसको बोलते हैं विश पुल। इसमें बैठ के कोई भी विश मांगते हो तो वो विश पूरी हो जाती है आपकी, तो यहाँ पे आपका विश भी मांग सकते हैं। और यहाँ पे एक छोटा सा पार्क बना हुआ है, बस उसके बाद फिर नीचे वाटरफॉल है, इतना ही कुछ है यहाँ पे। अभी हम यहाँ से चलते हैं, एक विश पुल बना हुआ है, इसमें अगर आप कोई विश मांगते तो आपकी विश पूरी हो जाती है। ये बिल्कुल डेवीज वाटरफॉल के ऊपर ही है विश पुल, इसको बोलते हैं विश मांगने का पुल।
तो यहाँ पे जो भी आप विश मांगोगे वो पूरी हो जाएगी। तो इतने कुछ था डेविस वाटरफॉल में, और मेरे पीछे देखो कितना सुंदर माउंटेन बना हुआ है। यहाँ पे आप फोटो वीडियो बना सकते हैं, और यहाँ पे पब्लिक वाईफाई भी अवेलेबल है। फिलहाल हमने देख लिया डेविस वाटरफॉल, अब इसके बाद हम चलते हैं गुप्तेश्वर महादेव की गुफा में, जहाँ पे वाटरफॉल जाके ख़त्म हो रहा है। तो फिलहाल ये देखो कितना सुंदर यहाँ पे माउंटेन है, और ये पीछे डेविस वाटरफॉल। तो चलते हैं बाहर की तरफ, यह है एग्जिट। डेविस फॉल से बाहर निकल के आ गए, और डेविस फॉल से बाहर निकल के आते ही वो सामने गुप्तेश्वर महादेव की केव है, जो मैं दिखाता हूँ आपको। देखो ये वाला गेट जो है, अब हम गुप्तेश्वर महादेव की केव में चल रहे हैं। और ये है कुछ गुप्तेश्वर महादेव मंदिर का मेन गेट, जहाँ से हमको एंट्री लेनी है। फिलहाल ये मेन रोड पे है बिल्कुल, तो यहाँ से अंदर एंट्री लेके दिखा दूँ कैसा है गुप्तेश्वर महादेव का केव। श्री महादेव गुप्तेश्वर केव, और यहीं पे बहुत सारा मार्केट लगा हुआ है, इधर से उसकी एंट्री है। तो फिलहाल अंदर चलते हैं। गुप्तेश्वर महादेव जस्ट 10 मीटर फ्रॉम हियर, गुप्तेश्वर महादेव की मेन एंट्री। और यहाँ से देखो यहाँ पे अंदर ही टिकट काउंटर है, सबसे पहले टिकट लेना पड़ेगा, फिर अंदर एंट्री होगी हमारी। प्राइस है नेपाली नागरिक 50 रुपये और इंटरनेशनल 100 रुपये। तो 100 रुपये का टिकट हमने ले लिया, अब 100 रुपये का टिकट लेके इधर अंदर एंट्री लेते हैं। तो टिकट है बार कोड वाला, और यहीं पे गेट पे बार कोड स्कैन होकर अंदर एंट्री ले लिया गुप्तेश्वर महादेव की केव में। और ये रास्ता जो है ये गोल गोल घूम के नीचे जा रहा है, देखो कितने सारे सर्कल बने हुए हैं यहाँ पे, और बहुत सुंदर सुंदर यहाँ पे एंट्रेंस पे मूर्तियाँ लगी हुई है। और ये जो नीचे घूम घूम के नीचे रास्ता जा रहा है, वहीं पे केव का पानी भी हमको दिखेगा। तो फिलहाल अभी नीचे चलते हैं, और नीचे जाके दिखा दूँ मैं कि कैसा कितना सुंदर है गुप्तेश्वर महादेव की केव। और अभी इस पे थोड़ा सा रिकन्स्ट्रक्शन का काम चल रहा है एक साइड में, तो यहाँ पे थोड़ा सा काम चला हुआ है, बाकी तो ये ठीक है सब कुछ। फिलहाल हम धीरे धीरे नीचे जा रहे हैं इसमें, और देखो यहाँ पे कितने सुंदर महादेव की पेंटिंग बनी हुई है। तो यहाँ से हम एंट्री लेके नीचे तक आ गए, अब आगे जाके देखते हैं। यहाँ पे लिख रहे तो है फ़ोटो खींचना मना है, लेकिन अब हम केव के अंदर जा रहे हैं। केव के अंदर शायद अंधेरा भी हो सकता है, फिलहाल देखते हैं अंदर जाके कैसी केव है। फिलहाल यहाँ पे केव का एंट्रेंस है, और यहीं पे कामधेनु गायकोट प्रवेश द्वार इन, और एक वहाँ पे गणेश जी की मूर्ति भी लगी हुई है। और ये देखो केव के एंट्रेंस भी बहुत छोटा सा है, पता नहीं सर में फूट जाए, इसमें पानी पड़ा हुआ है इसमें नीचे। तो फिलहाल ऐसे ही बचा के जाना पड़ रहा है, अंधेरा आगे होगा दिख नहीं रहा होगा कुछ भी। फिलहाल मैं केव के अंदर हूँ, यहाँ पे कैमरा भी लग रहा है, लेकिन आगे जाके देखते हैं लाइट दिख रही है कि नहीं। केव के अंदर पता नहीं कैसे कैसे केव है, बहुत ही खतरनाक सी है। अब देखो जगह जगह बल्ब तो लगे हुए, लेकिन इनके होल्डर टूटे हुए हैं। और ऐसा कुछ रास्ता है केव का, जगह जगह इसमें ये छोटे छोटे से होल है, इसके अंदर से जाना पड़ेगा। बहुत ही नीचे आए उखड़ू बैठ गए मैं एकदम, और तब जाके आया है। गीला करना है टिकट भी। फिलहाल गुफा के अंदर से हम निकल के जा रहे हैं, देखो कैसी गुफा है। तो बहुत ही छोटा सा रास्ता है यहाँ पे, और इस गुफा में जाने का, ये देखो नीचे पाताल लोक में जाने का एंट्रेंस है महादेव की गुफा, और हम अभी अंदर अंदर से जा रहे हैं। फिलहाल तो यहाँ पे लिख तो रहा है फोटो वीडियो मना है, लेकिन अभी तक कोई रोक नहीं रहा है, तो हम बनाए जा रहे हैं। यही इसमें गुफा के अंदर जाने का रास्ता है, और ऊपर से इसमें पानी गिरने लग रहा है। देखो पूरी गुफा में पानी पानी है, और नीचे भी पानी पड़ा हुआ है, और ऊपर से पहाड़ पर से जो ये है ना गुफा के अंदर पानी गिरने लग रहा है। तो इसलिए मैंने कैप सर पे रखी हुई है, क्योंकि पानी की बारिश ही हो रही है यहाँ पे, बाल गीले हो जाएंगे। तो ये नीचे जाने के लिए और गहरा रास्ता बन रहा है यहाँ पे, देखो लाइटिंग लग रही है, तो पानी पानी हो रहा है पूरी केव के अंदर। तो फिलहाल हम और नीचे जा रहे हैं केव में। बहुत ही नीचे आ गई केव, झुक झुक के चलना पड़ रहा है। चलो भैया इस केव में अब जाके खड़े होने का रास्ता है, बिल्कुल ही बहुत ही गहरी केव है। फिलहाल देखो कितनी पत्थरों के बीच में से होकर जा रहे हैं हम, यह गुप्तेश्वर महादेव की केव। और जो वाटरफॉल हमने ऊपर देखा था वो यहीं पे आगे गिर रहा है नीचे पाताल लोक में, और नीचे हो गई है। तो यहाँ पे देखो कितने वो हो गया, झुक झुक के जाना पड़ता। तो यहाँ पे ना तो नेटवर्क है ना कुछ है, पर हम चले जा रहे हैं केव के अंदर। तो फिलहाल ऐसी है कुछ केव। तो अभी हम यहाँ पे नीचे जा रहे और जगह जगह पर लाइटें तो लगी हुई है, लेकिन अंधेरा बहुत ज़्यादा है। और ये देखो फाइनली हम गुफा के अंदर घुस गए हैं, और ये देखो गुफा के अंदर से कैसी है। तो अभी हम गुप्तेश्वर महादेव की केव के बिल्कुल नीचे आ चुके हैं, जहाँ पे पानी दिख रहा है। अभी और भी नीचे जाने का रास्ता है, ये देखो बिल्कुल ख़त्म हो गई यहाँ पे केव आ गया, और उधर सामने पानी दिख रहा है, पानी जाके देखते हैं।
और यहाँ पे केव के अंदर भी बारिश हो रही है, पता नहीं सिर पे पानी गिरे जा रहा है, बार 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 पानी गिरे जा रहा है। तो अभी यहाँ पे लाइटें लगी हुई है और पीछे देखो मेरे कितने खतरनाक ये चट्टान दिख रही है, इसमें से पानी टपके जा रहा है नीचे। और यहाँ पे अभी ये वाला जीना लेके नीचे जा रहे हैं। तो अब ये सीढ़ियाँ लेके हम नीचे जा रहे हैं, ऊपर तो हमने सब देख लिया पर नीचे भी गिल्ली हो रही है सीढ़ी सारी, पैर फिसलने का डर है बस। तो फिलहाल ऐसे हम ये सीढ़ियाँ लेके नीचे बिल्कुल पाताल में जा रहे हैं। यहाँ पे ना नेटवर्क है ना सांस आ रहा है, गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा। वो हम कम से कम 500 मीटर ऊपर ज़मीन से नीचे आ चुके हैं। और ये देखो दिखाता हूँ आपको, वहाँ पे जो वो ऊपर वाटरफॉल मैंने दिखाया था डेविस वाटरफॉल, वो यहाँ आके इस गुफा में गिरता है और नीचे गिर के ख़त्म हो जाता है पानी में बिल्कुल। यहाँ पे देखो यहाँ पे आके वो डेड एंड है उसका, उसके बाद ये ख़त्म हो जाता है। तो ये देखो हम केव के बिल्कुल नीचे आ चुके हैं, यहाँ पे पूरा सामने वो वाटरफॉल दिख रहा है जो ऊपर से नीचे गिर रहा था, वो यहाँ पे गिर के ख़त्म हो जाता है। तो फिलहाल हम इसके नीचे वाटरफॉल में आके जहाँ पे ये ख़त्म होता है वो देख लिया है। अब फिर वापस से यही वाले जीने चढ़ के हमें ऊपर जाना है, तो वापस ऊपर चल रहे हैं इन्हीं सीढ़ियों से चढ़ के, क्योंकि यहाँ पे बहुत फिसलन हो रही है। तो ऊपर जाके दिखाता हूँ मैं। और यहाँ पे देखो पानी गिरे जा रहा है। तो अभी वापस हम ऊपर जा रहे हैं उसी गुफा से होकर, जो बहुत पतली पतली सी गुफा थी। फिलहाल तो मेरे फेस पर लाइट आ रही है लेकिन अंदर बिल्कुल भी लाइट नहीं है, तो मैं दिखाता हूँ अंदर से अंधेरे में कैसी ये गुफा की फीलिंग आती है। ये देखो बहुत ही छोटे छोटे से रास्ते हैं और दोनों तरफ से इसमें पानी गिरने लग रहा है। जहाँ पे बल्ब लग रहे हैं वहाँ तो दिख जाता है, जहाँ पे लाइट नहीं है वहाँ पे नहीं दिखता। एक सेकंड भैया हम निकल जाएं। चलो भाई चलो चलो, जाम लग गया टनल में भी। चल तो फाइनली नंबर आ गया हमारा। चल भाई डॉक्टर साहब चलो, आने वालों की भी लाइन लग रही है, जाने वालों की भी लाइन लग रही है। लाइट ब्लॉक होती है एकदम दिक्कत हो जा, हाँ तो फंस जाएंगे यार। एक सेकंड रुक जाओ, आने थैंक यू। तो देखो कितनी छोटी छोटी है, ये नीचे से होके जाना पड़ रहा है हमें। अब जाके थोड़ा सा खुला है मामला, कई जगह बहुत कम है कई जगह ठीक ठाक है। तो फिलहाल ऐसे रास्ते से निकल निकल के जा रहे हैं। और ये देखो ऊपर से पानी रिस रहा है इस पर। यहाँ पे महादेव जी का मंदिर भी है, इस पर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो सामने से मैं आपको दिखा नहीं सकता। उतरते टाइम तो उतर गए, अब चढ़ते रहें बहुत ऊंचा है ऐसे चढ़ते चढ़ते, 100 मीटर से भी ज़्यादा गहरा है ज़मीन के अंदर। ये वापस से हम चल चल के वहीं आ गए जहाँ पे एंट्रेंस पर गणेश जी रखे थे और यहीं से एग्जिट है। तो फिलहाल बाहर चलते हैं। तो अभी नीचे से वापस आके हम वहीं से आ गए जहाँ से हमने एंट्री ली थी नीचे गोल चक्कर से भी, और फिर इधर से एंट्री है और एग्जिट वाला रास्ता इधर से। अभी ऊपर जाते हैं उस वाले मंदिर में। तो अभी यहाँ से ऊपर जाके मैं दिखाता हूँ ऊपर कैसा है। फिलहाल तो ये कुछ ऐसी यहाँ की एंट्रेंस है, कितनी सुंदर है देखो। तो यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर है महादेव का और एक गणेश जी की मूर्ति लगी हुई है उसके एंट्रेंस पे, और यहीं से ऊपर एग्जिट का रास्ता है। और इस केव के बाहर आके भी ऐसी मार्केट सा लगा हुआ है यहाँ पे, जैसे सब जगह टूरिस्ट प्लेस पे लगा रहता है। इधर भी चारों तरफ मार्केट ही मार्केट है। अगर आपको कुछ सोवनीर वगैरह खरीदना है तो यहाँ पे सब मिल जाएगा। आप इससे उसी एंट्री के बाहर आ चुके हैं महादेव गुप्तेश्वर की, और यहीं पे अभी थोड़ी देर पसीने सुखा था क्योंकि अंदर केव में जाने के बाद हमें पसीने पसीने हो गए। जैकेट की मैंने चैन खोल ली तो हवा लग रही है, थोड़ी देर में पसीने सूख जाएंगे। अभी यहाँ पे रेस्टोरेंट है बहुत सारे, जूस वगैरह के तो कुछ पीते हैं खाते हैं और फिर वेट करके अगली जगह चलेंगे। अभी हम बाहर आके एक बज गया, अभी एक बजे हम बाहर एक रेस्टोरेंट में बैठ गए। अभी यहाँ पे चाय कॉफ़ी पी के फिर हम चलेंगे बुद्ध के स्तूप पे, और शिवा का टेंपल भी यहाँ पे बहुत पहाड़ी के ऊपर, उस पर भी जाएंगे। अभी फिलहाल कुछ खाने के लिए मंगा रहे हैं। यहाँ पे मंगाई एक चाय एक एक ऑमलेट, और ये खा के फिर हम जाएंगे पुमदी कोट पे और बुद्धा पीस पैगोडा वर्ल्ड पीस पैगोडा पे। यही हमने खाना वाना खा लिया गुप्तेश्वर महादेव के बाहर, वो हमें ऊपर जाना है। देखो वर्ल्ड पीस पैगोडा पुमदी कोट शिवा स्टैचू भी वहीं पर है। अब यहाँ से हम बस देख रहे हैं, बस लेके उस एरिया में चलते हैं। नेपाल में देखो टेम्पो ट्रैवलर नहीं चलता, उसकी जगह टोयोटा की हाईएस्ट गाड़ी है ये चलती है। टेम्पो ट्रैवलर मैंने एक भी नहीं देखा है, बस इंडिया में चलते ना फोर्स के टेम्पो ट्रैवलर, वो यहाँ पे नहीं मिलता। लेकिन ये टोयोटा की हाईएस्ट गाड़ी जो है ये मिलती है यहाँ पे, टेम्पो ट्रैवलर की जगह बहुत ज़्यादा मात्रा में। ये देखो टोयोटा हाईएस्ट है, ऐसी टेम्पो ट्रैवलर के जरिए सवारी भरकर जाती है। तो हम रोड पे ऐसी चक्कर काट रहे हैं, टैक्सी मिल ले रही है 2000 रुपये पुमदी कोट के और वर्ल्ड पीस पकौड़ा के। हम सोच रहे पैसे बच जाए, बस ढूंढ रहे हैं। लेकिन बस चल तो रही है, लेकिन वो पुमदी कोट ऊपर वहाँ पे चोटी पे है, तो मुझे लग रहा है वहाँ पे बस शायद जाती नहीं है। तो देखते टैक्सी में लेके जाना पड़ेगा या बस मिल जाएगी। तो अभी हमने टैक्सी नहीं ली है, हम जा रहे हैं वर्ल्ड पीस पकौड़ा।
ट्रैक करके, और ये कुछ नीचे से आप हिल ट्रैक कर रहे हैं, पीछे देखो सिटी का व्यू आने लगा है पूरा। तो अभी हम ट्रैक करके ऊपर जा रहे हैं, एक घंटे का ट्रैक होगा, कम से कम 3 किलोमीटर है, 1 घंटा लगेगा इस ट्रैक को करने में। तो फिलहाल हम अभी पैदल पैदल ही जा रहे हैं पूरा वर्ल्ड पीस पकौड़ा, और फिर उसके बाद देखेंगे पुमदी कोट कैसे जाएंगे, पर फिलहाल तो। और ये हमारे डॉक्टर साहब भी हमारे साथ जा रहे हैं ट्रैक करते हुए। फिलहाल ये ट्रैक है कम से कम 3 किलोमीटर का पहाड़ के ऊपर, और बहुत ही स्टीप चढ़ाई है यहाँ से। तो हम ट्रैक करते करते 1 घंटे में पहुँचेंगे वर्ल्ड पीस पकौड़ा। अगर आप टैक्सी लेते तो आपके 2000 रुपये लगते, कोई 3000 बता रहा है, कोई 5000, कोई 2000, लेकिन हम ये वाला ट्रैक करके पैदल पैदल ही ऊपर जा रहे हैं वर्ल्ड पीस पकौड़ा पे। यहाँ पे बहुत ही सुंदर ट्रैक बना हुआ है, देखो दोनों तरफ पेड़, और धीरे धीरे अपना चढ़ते जाओ। जब ट्रैक करके आओगे देखो धीरे धीरे सिटी का व्यू आपको कितना सुंदर आना शुरू हो जाएगा यहाँ से। और यहीं पर जगह ट्रैक पर रास्ते पर लिख भी रहा है किधर से आपको जाना है। और फिलहाल देखो कितना सुंदर मौसम, और इतने सुंदर मौसम में हम ट्रैक कर रहे हैं, मस्त मज़ा आ रहा है। और ये देखो धीरे धीरे जैसे हम ट्रैक करके ऊपर जाते जा रहे हैं ना, इतना सुंदर व्यू होता जा रहा है। अगर आप टैक्सी लेके आओगे तो आपको इतना मज़ा नहीं आएगा जितना आपको ट्रैक करके ऊपर जाने में आएगा। ये देखो, तो दोस्तों हम ट्रैक करके ऊपर जा रहे हैं वर्ल्ड पीस पकौड़ा पे। अगर आप टैक्सी लेके आएंगे लेक साइड से तो कोई टैक्सी वाला आपसे 5000 रुपये मांगेगा, कोई 2000 मांगेगा, कोई 3000 मांगेगा, लेकिन अगर आप ट्रैक करके आएंगे तो आपको इतना सुंदर पूरा सिटी का व्यू दिखेगा, और साथ साथ ही पूरा पोखरा भी आपको दिखेगा। और इधर से हम ट्रैक करते हुए आ रहे हैं, और ये ट्रैक करते करते हम ऊपर तक जाएंगे वर्ल्ड पीस पकौड़ा पे। 3 किलोमीटर का ट्रैक है जिसमें आपको 1 घंटे से ज़्यादा का समय नहीं लगेगा, 1 घंटे में आप पहुँच जाएंगे। तो फिलहाल ट्रैक करके ऊपर चलते हैं वापस से, और ऊपर जाके दिखा दूँ कैसे आप बिना टैक्सी लिए पैदल ट्रैक करके वर्ल्ड पीस पकौड़ा पे पहुंच सकते हैं पोखरा के अंदर। तो चढ़ते चढ़ते हमें बीच में रोड मिली है जहाँ से सारी गाड़ियाँ जा रही है, और बहुत स्टीप चढ़ाई है, देखो कितनी खतरनाक चढ़ाई है जहाँ से गाड़ियाँ जा रही है। फिलहाल पैदल का रास्ता और गाड़ी का रास्ता एक ही हो गया, थोड़ा आगे जाके पैदल वाला अलग हो जाएगा। तो फिलहाल इसी सड़क से जा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा चढ़ाई है, लेकिन हम चलते जा रहे हैं, थक तो बहुत गए, पसीने आ रहे हैं। ये -15 डिग्री की जैकेट पहन के हम दोनों +30 डिग्री में ट्रैक कर रहे हैं, पसीने पसीने हो गए, लेकिन जैकेट पर कहीं रख नहीं सकते तो क्या करें, ऐसे जाना पड़ेगा। तो भैया जी गर्मी इतनी हो रही है तो हमने जैकेट निकाल के हाथ में ले लिया, फाइनली शर्ट पूरी पसीने में भीग चुकी है। और यहीं से गाड़ियाँ बस सब आ रही है, बस भी चल रही है, लेकिन हम पैदल ही जा रहे हैं। ट्रैक करने का मज़ा जो पैदल में है वो बस में कहाँ। तो फिलहाल ये देखो कितना सुंदर सिटी का व्यू, और यहीं से गाड़ियाँ जा रही है, और यहीं से हम पैदल पैदल जा रहे हैं। हम ट्रैक करते करते देखो कितने सुंदर रेस्टोरेंट पे हैं, यहाँ पे एक चाय पीने के लिए हम रुक गए थे, और देखो नीचे का कितना सुंदर पोखरा का नज़ारा दिख रहा है। और अभी जैकेट उतार के मैंने अपने हाथ में ले लिया क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। और फिलहाल देखो मेरे पीछे कितना सुंदर नज़ारा आ रहा है पूरे पोखरा सिटी का। और अभी थोड़ा सा हमारा ट्रैक बचा हुआ है, तो अभी ट्रैक करके वापस ऊपर चलते हैं। डॉक्टर साहब भी थक गए, उन्होंने भी जैकेट की चैन खोल दी है, तो अभी वापस से ऊपर चलते हैं पीस पकौड़ा पे। चढ़ते चढ़ते अब सीढ़ियाँ आ गई है, अब यहाँ से 1 किलोमीटर बचा, 1 किलोमीटर की सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेगी, तो सीढ़ी चढ़ के सीधे ऊपर चलते हैं। तो ये हम आ गए संगम चौक, स्तूपा पैदल मार्ग यहाँ से है 20 मिनट का रास्ता, और हम यहाँ से नीचे से उतर के आए हैं, देखो कितनी बढ़िया सिटी दिख रही है। तो वापस से फिर हम सड़क क्रॉस करके पैदल मार्ग पे चल रहे हैं, ये पैदल मार्ग का रास्ता है, अब पैदल मार्ग से चलते हैं ऊपर। ट्रैकिंग करने का अपना अलग ही मज़ा है, जो भी हम बस में बैठ के जाते इतना मज़ा ना आता, 15 मिनट में पहुँच जाते, लेकिन 1 घंटे के ट्रैक में जो मज़ा आ रहा है ना, और वो देखो पकौड़ा दिखने लगा, मैं वहाँ पे जाना है ट्रैकिंग करके पूरा। हमारे डॉक्टर साहब कितने सुंदर रास्ते से होते हुए आ रहे हैं, ये है ट्रैकिंग वर्ल्ड पीस पकौड़ा तक की पोखरा के अंदर। और थोड़े थोड़े से ऐसे ऐसे पत्थर मिलेंगे आपको जिसमें हल्की फुल्की चढ़ाई है, बाकी थोड़े से ऐसी चढ़ाई भी है नॉर्मल वाली भी, लेकिन दिक्कत कुछ नहीं होने की। सीढ़ियाँ है जहाँ पे आपको ऊपर पीस पकौड़ा पर जाना है। अभी हमने 2.5 किलोमीटर तो कर लिया है, 400-500 मीटर बचा है, और जैकेट मैंने हाथ में ले लिया क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, पसीने आ रहे हैं। फिलहाल ऊपर जाते हैं कि देखते हैं कितना टाइम लगेगा। आज यहाँ पे जगह जगह रेस्टोरेंट खाने पीने के लिए, रुकने के लिए लॉज भी बने रहते हैं, सनराइज सनसेट रेस्टोरेंट, जहाँ पे आपको खाना पानी और रूम वगैरह सब मिल जाते हैं। और फिलहाल हमारे डॉक्टर साहब पीछे रह गए थोड़े से। तो भाई हमारा चीता यहाँ पे घायल हो चुका है, जिसे हम शेर ही कह रहे थे, इसकी हिम्मत जवाब दे चुकी है, ट्रैक नहीं कर पा रहा, लेकिन इसके पीछे का व्यू देख के मेरा तो बहुत ज़्यादा मन कर रहा है ट्रैक करने का। तो भैया पकौड़ा के दर्शन होते ही डॉक्टर साहब की एनर्जी वापस आ गई, 2 बूंद जिंदगी की पानी पीते ही, तो बैक ऑन द ट्रैक। देखो इस माउंटेन रेंज का नाम है धौलागिरी अन्नपूर्णा मनसलू हिमालय रेंज, और ये हमारी पोखरा लेक है, इसके ऊपर ये इतना सुंदर व्यू दिखता है पूरी धौलागिरी रेंज का, टॉप ऑफ द वर्ल्ड करते हम पहुंचने वाले हैं। और रास्ते में जगह जगह आपको पानी के लिए, रेस्टोरेंट खाने पाने के लिए सब कुछ मिलता रहेगा। अभी यहाँ पे एक रेस्टोरेंट आया था, हमने यहाँ से पानी लिया है, पानी पी के फिर दोबारा से एनर्जी आ गई है सोल्टनी, और पानी 30 रुपये का मिलता है, 30 रुपये नेपाली का, मतलब वही 17-18 रुपये बैठते, तो इंडिया से सस्ता पानी है नेपाल के अंदर अगर देखा जाए तो बिस्लेरी से।
और फिलहाल यहाँ पे देखो बाइक है, वेलकम टू अनादू गुरुंग विलेज। तो इस विलेज के पास है पैगोडा, वर्ल्ड पीस पैगोडा जिसको हम बोलते हैं, और बस यहाँ से थोड़े से सीधे चढ़ के ये ऊपर जो वर्ल्ड पीस पैगोडा का एंट्री गेट है वहीं चलते हैं। तो दोस्तों हम पहुँच गए पैगोडा के अंदर ऊपर, और यहाँ पे बहुत सारे रास्ते में रेस्टोरेंट मिलेंगे। इन रेस्टोरेंट से जितना सुंदर व्यू मिलता है ना, ये देखो नीचे मेरे फेवा लेक का व्यू कितना सुंदर मिल रहा है, और यहीं ऊपर है पैगोडा बिल्कुल। चल तो फाइनल कुछ स्टेप बचे हैं बस, और नीचे हमें फेवा लेक का व्यू दिखने लगा है, देखो कितना सुंदर है, और पोखरा कितना नीचे रह गया, और यहाँ पे रेस्टोरेंट भी बहुत सारे हैं। तो फिलहाल हम ऊपर पहुँचने वाले हैं, और एक दो मिनट लगेगी। और ये देखो नीचे फेवा लेक, और यहाँ पे कैफे वगैरह बहुत सारे बने हुए हैं, खाने पीने के लिए कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको। तो ये सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ के वर्ल्ड पीस पगोडा पे पहुँच गए हम। देखो मेन गेट पहुँच चुके हैं, ये मेन एंट्रेंस वर्ल्ड पीस पगोडा की, जो कि पोखरा के अंदर है, और यहाँ से लेक पूरी दिखती है। तो अभी इसके अंदर फोटो वीडियो अलाउड है कि नहीं, ऊपर जाके देखते हैं। फिलहाल ये मेन एंट्रेंस है, इसके अंदर चल रहे हैं। देखो हम ऊपर पहुँच चुके, और यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, वेलकम टू वर्ल्ड पीस पगोडा सेक्रेड एरिया, नो शाउटिंग, नो स्मोक, नो ट्रैश, डोंट पिक फ्लावर्स। हम पहुँच चुके हैं घंटा का ट्रैक करके वर्ल्ड पीस पगोडा, और यहाँ से पूरा व्यू दिखा दो, कितना सुंदर व्यू आता है पूरे पोखरा का। ये देखो पीछे पूरा पोखरा सिटी दिख रहा है, और ये हमारे डॉक्टर साहब खड़े हैं, और इधर ये मेरे पीछे था पोखरा सिटी, और यहाँ पे सामने देखो कितना सुंदर व्यू है वर्ल्ड पीस पगोडा का। वर्ल्ड पीस पगोडा पे पहुँच चुके हैं, कितना सुंदर है, लेकिन यहाँ पे बोलना अलाउड नहीं है, वीडियो भी अलाउड नहीं है। मुझे देखो हम ऊपर आ गए, लेकिन यहाँ पे वीडियो अलाउड नहीं है और बोलना भी अलाउड नहीं है, तो इसलिए मैं चुपचाप से बना रहा हूँ। तो देखो कितना सुंदर नीचे पोखरा सिटी का व्यू आ रहा है, अभी मैं नीचे आ गया हूँ रेलिंग के पास, और ऊपर तो वीडियो बनाने अलाउड नहीं थी, लेकिन यहाँ से देखो कितना सुंदर लेक का व्यू आ रहा है। अब यहाँ से चलते हैं बाहर शिवा स्टैचू की तरफ। तो हम स्तूपा घूम के आ गए, अब हम जा रहे हैं कुमडीकोट शिवा स्टैचू देखने के लिए, जो दूसरी पहाड़ी पर है, लेकिन यहाँ से जाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट शायद चलता है, तो देखते हैं कैसे जाएंगे वहाँ तक, नहीं तो ट्रैक ही कर लेंगे। अब हम वापस जा रहे हैं नीचे की तरफ, अभी भीड़ हो गई, जब हम आए तो बिल्कुल खाली पड़ा था, लेकिन अभी आने वालों की भीड़ हो गई एकदम से। फिर नीचे उतरने का रास्ता बना हुआ है यहाँ पे, जिनने से नीचे उतर के फिर रोड पे जाएंगे, जहाँ से टैक्सी या बस कुछ मिलेगा हमें। फिलहाल तो हम यहीं से नीचे उतरे जा रहे हैं। तो अभी हम यहाँ से स्तूपा से नीचे उतर के आ गए, यहाँ पे बस का स्टैंड है, और जो बस ऊपर जाने वाली आएगी वो पुमडीकोट शिवा स्टैचू पर हमें ले जाएगी। तो फिलहाल हम यहाँ टैक्सी स्टैंड पर वेट कर रहे हैं, जहाँ पे स्तूपा के नीचे जो टैक्सी स्टैंड है, जहाँ तक टैक्सी आती है, यहाँ के बाद भी आपको ट्रैक करना पड़ेगा अगर आप टैक्सी लेकर आएंगे। तो फिलहाल ऊपर जाने वाली बस का वेट करते हैं, और जैसी बस आती है पुमडीकोट शिवा स्टैचू पर चलते हैं। तो अभी हमने यहाँ से स्तूपा से पुमडीकोट जाने के लिए टैक्सी कर ली है, क्योंकि बस नहीं आ रही थी, बहुत देर तक बस का वेट करा, तो टैक्सी लेके जा रहे हैं यहाँ से पुमडीकोट तक, क्योंकि सनसेट अभी होने वाला है, 5-7 मिनट में 10 मिनट में सनसेट हो जाएगा। तो अभी हम नीचे स्तूपा से ऊपर शिवा स्टैचू पे आ चुके हैं कुमडीकोट पे, अब यहाँ से थोड़ा सा पैदल जाना पड़ेगा ऊपर शिवा स्टैचू के लिए। तो यहाँ देखो पीछे कितना सुंदर सनसेट हो रहा है, और ये नेपाल का झंडा भी दिख रहा है। अभी यहाँ से पार्किंग भी है, ऊपर जाके दिखा दो कितना सुंदर सनसेट हो रहा है अभी। और ये देखो नीचे फेवा लेक, और ये कुमडीकोट का शिवा स्टैचू यहाँ पे, कितना सुंदर लग रहा है देखो। अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, लेकिन व्यू कितना अच्छा रहा है अंकुर, यहाँ पर सनसेट हो रहा है बहुत बढ़िया, और इधर पूरा शिवा लेक का व्यू, और ऊपर शिवा स्टैचू। तो फिलहाल हम पहुँच चुके हैं, और ये देखो हम 1340-50 मीटर के एलिवेशन पर आ चुके हैं, और ये महादेव का स्टैचू। तो फिलहाल हम पहुँच चुके हैं पुमडीकोट के शिवा स्टैचू पे, और यहाँ से इसकी एंट्रेंस, तो अंदर एंट्री चलते हैं, अंदर एंट्री लेके मैं दिखाता हूँ यहाँ पे कैसा स्टैचू बना रहा है। अभी इस पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, शायद पेंट वर्क हो रहा है, और मेरे पीछे देखो कितना सुंदर सनसेट हो रहा है यहाँ पे, और सामने सनसेट में कितना प्यारे लग रहा है भोलेनाथ जी। और ये देखो एंट्रेंस से कितना सुंदर पीछे का सनसेट व्यू, और ये नंदी भगवान, और पीछे भोलेनाथ जी का स्टैचू, कितना प्यारा लग रहा है देखो। और फिलहाल पीछे मेरे हो रहा है सनसेट, और सनसेट की जो रोशनी पड़ रही है ना शिव जी के स्टैचू पर, वो कितनी सुंदर लग रही है मेरे पीछे देखो। और यहीं पर फोटो काउंटर भी है, अगर आपको यहाँ पर फोटो खिंचवाना है तो फोटो भी खिंचवा सकते हैं। और ये कितना प्यारा व्यू है, व्यू का एंजॉय लो, और ये नंदी भगवान, और ये एंट्रेंस गेट है यहाँ का, और ये है नेपाल का पुमडीकोट शिवा स्टैचू। और यहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो इसके ऊपर जाने की हमें परमिशन नहीं है, कोई भी इसके ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि अभी इसका कंस्ट्रक्शन पूरा नहीं हुआ है,
और यहाँ पे देखो एक शिवलिंग रखा हुआ है बड़ा प्यारा सा, और ये पूरे महादेव जी, और ये एंट्रेंस इसका गेट है, गेट पे नंदी भगवान बैठा, और कितना क्यूट सनसेट है। फिलहाल स्टैचू के पीछे जो सूरज की लाइट है वो थोड़ी सी दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे तो पहाड़ है, और इतना सुंदर देखो सनसेट यहाँ पे हो चुका है। और इसी के नीचे देखो, नीचे मैं दिखाता हूँ आपको फेवा लेक का व्यू आता है, नीचे जो लेक है ये है फेवा लेक। और फिलहाल देखो कितना सुंदर सनसेट हो चुका है मेरे पीछे, ये पूरा सनसेट है। और अब हम यहाँ से नीचे जाएंगे वापस से अपने लेक साइड होटल के अंदर। फिलहाल यहाँ से हमने टैक्सी की थी जो थी स्तूपा से कुमरी कोर्ट तक की, उसके लिए हमने 1000 रुपये पे किए, 500 रुपये ऊपर जाने के लिए और 500 रुपये नीचे जाने के लिए। और स्तूपा से नीचे हम पैदल ही जाएंगे, क्योंकि वो टैक्सी बहुत कॉस्टली पड़ती है, 1200 रुपये की पड़ती है। तो फिलहाल सनसेट यहाँ पे हो चुका है इस सनसेट को देख के, और हम नीचे चल रहे वापस से अपने स्तूपा वाली पार्किंग में। और स्तूपा वाली पार्किंग तक हमने टैक्सी करी हुई है, उसके आगे पैदल ही ट्रैक वापस का करेंगे। देखो यहाँ का एलिवेशन 1340 मीटर है, और हम जब नीचे जाएंगे तो वहाँ का 600 मीटर आ जाएगा। तो फिलहाल यहाँ से ऐसा कुछ पार्किंग का नज़ारा है, अपनी टैक्सी लेके नीचे चलते हैं। ये हमारी मारुति 800, नेपाल में मारुति 800 भी कम से कम 15-20 लाख रुपए की मिलती है। तो फिलहाल इसमें बैठ के चलते हैं। रुक जा, मैं तो आ लूँ। वो तो नहीं मिलता है आपको पर डे। अभी देखो यहाँ से सामने हमको स्तूपा दिखने लगा, वो इतनी दूर स्तूपा है, उसके ऊपर आए थे हम, सनसेट कितना सुंदर हो रहा है। अभी वापस हम स्तूपा वाली पार्किंग में जा रहे हैं। पार्किंग में जो स्तूपा वाली पार्किंग थी, अब यहाँ से हम पैदल पैदल ही नीचे जा रहे हैं ट्रैक करके, जैसे ऊपर आए थे। तो फिलहाल स्तूपा वाली पार्किंग से नीचे ट्रैकिंग करते हैं स्टार्ट। अभी अंधेरा होने वाला है, हल्का हल्का अंधेरा हो गया है, लेकिन पूरा नहीं हुआ अभी। तो चलते हैं पूरा ट्रैक करते हुए, 10-15 मीटर में पहुँच जाएंगे हम नीचे। 1600 मीटर के एलिवेशन से हम 1030 मीटर के एलिवेशन पर तो पहुँच चुके हैं स्तूपा तक। अब हम जब नीचे पोखरा जाएंगे तब आपका एलिवेशन दिखाऊंगा कितना कम हो जाएगा। फिलहाल हम 1600 मीटर पर था शिवा का स्टैचू पुमडी कोट वाला, और 1000 मीटर पर है यहाँ पे बुद्धा स्तूपा, वो जो वर्ल्ड पीस पकौड़ा है, जो जापानीज स्तूपा है। और अभी नीचे पोखरा में हम जा रहे हैं, वहाँ का एलिवेशन जाके दिखाऊंगा कितना एलिवेशन है। और ये देखो भाई साहब, ट्रैक नीचे जाते जाते कितना सुंदर पोखरा सिटी का व्यू दिख रहा है। नीचे लाइटिंग स्टार्ट हो गई है, और उधर सनसेट हो गया, बहुत बढ़िया अंधेरा हो रहा है, और नीचे का व्यू क्या जबरदस्त आ रहा है। और हम इस सुनसान सड़क पर ट्रैक करते हुए नीचे जा रहे हैं अभी। तो फिलहाल मेरे पीछे पूरी पोखरा सिटी दिख रही है, और हम ट्रैक करते करते नीचे जा रहे हैं। अभी आधा पौना घंटा और लगेगा मैं ट्रैक करने में। तो फिलहाल ऐसी सुनसान सड़कों से ट्रैक करके जाते हैं। ये देखो बिल्कुल अंधेरा हो गया, कुछ भी नहीं दिख रहा, पीछे लाइटिंग दिख रही है बस। फ्लैश ऑन कर दूंगा तो ऐसा दिखेगा, फ्लैश ऑन करके कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन अभी 5:55 हुई है, पूरा सनसेट हो चुका है। तो अभी नीचे जाके देखते हैं कितनी देर में हम नीचे पहुँच जाएंगे। देखो कितनी सुंदर सिटी दिख रही है यहाँ पे। हम सिटी के अंदर आ चुके हैं बिल्कुल ट्रैक से नीचे उतर के, और ये कुछ सिटी की मेन रोड जो बिल्कुल प्लेन में है, और ऐसा कुछ नज़ारा दिख रहा है पूरी सिटी का। और ये देखो यहाँ का एलिवेशन भी 790 मीटर पे आ गए हम, क्योंकि हम सिटी के बिल्कुल मेन रोड पे आ गए, तो एलिवेशन भी 790 मीटर हो गया। तो हमने एक बस मिल गई यहाँ से लेक साइड के लिए, और इसकी सीट अच्छी है, थोड़ी बढ़िया कम्फर्टेबल बस है, बाकी की बस कितनी सीट कंफर्टेबल नहीं है। तो यहाँ से चलते सीधे लेक साइड। वेलकम टू द लेक साइड। देखो हमारे होटल से भी स्तूपा दिखता है थोड़ा थोड़ा, जहाँ पे ऊपर वो लाइट दिख रही है ना, वो वाली येल्लो वाली, वहाँ से आए हम। हम नीचे आ गए रेस्टोरेंट पर खाना खाने के लिए, हमने मंगाई दाल मखनी, आलू और रोटी। फिलहाल एक खाना खाते हैं और फिर बाद में चलेंगे अपने होटल पर, उस वीडियो को करेंगे ख़त्म। तो अभी हम खाना खा के वापस आ गए अपने पोखरा लेक साइड में। फिलहाल इस वीडियो में मैंने आपको पोखरा का डे 1 दिखाया, कि एक दिन में आप पोखरा में क्या क्या कर सकते हैं। ये हमारे डॉक्टर अंकुर चौधरी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोज देखने के लिए। इसके अगली वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा पोखरा का अन्नपूर्णा केबल कार, और उसके बाद फिर हम पोखरा से दिल्ली की जर्नी भी पूरी मैं आपको दिखाऊंगा। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जागो रे, देखो रे।